क्यों ना प्रार्थना that वी गिव यूक्स in इन family। पवित्र पिता इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद आपका। without योर टच प्रभु आज यहाँ से इस सभा से जो भी देख रहे हैं बिना आपके स्पर्श के कोई ना लौटे Without your amazing अमेजिंग लाइट आपके अद्भुत ज्योति के बिना आपके ज्योति के बिना वो लौट ना पाए और आज वो प्रभु ये आपकी वास्तविकता को जान I give you glory before invisible and visible। प्रभु दृश्य और अदृश्य वातावरण वास्तविकताओं के सामने मैं तुझे महिमा देता हूँ

माई नाम एज स्टेरी के एस एंड आम कमिंग फ्राम केरला मेरा नाम स्टेरी के एस है और मैं केरल प्रदेश से हूँ in a city called Fort Kochi. Fort Kochi नामक एक शहर में मैं पला बड़ा हूँ city that having all the witchcraft, killing people, doing the mass murders. एक ऐसा शहर जहाँ जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब एक बड़े स्तर पे होता है आई ग्रो अप witchcraft. और इन्हीं सब के बीच में मेरे मेरा पालन पोषण हुआ उन्नीस वर्ष का जब मैं था ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद खुशी करने की कोशिश की बिकॉज लव no क्योंकि प्रेम नहीं था इनके जीवन में आई ने फेल ऑफ गॉड परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं महसूस किया आई नेवर न्यू जीस येशु का नाम नहीं सुना था यीशु को जानते नहीं थे फ्रॉम द जनरेशन ऑफ विच क्राफ्ट और उस पीढ़ियों से चलता आया श्राप जादू टोने का वो इनके पीढ़ियों पर था फ्रॉम द फादर साइड ओड़ा और पिता के अगर पिता के परिवार से देखा जाए तो वो सारे उसी में जुड़े हुए थे माई फादर वॉज इन्वोल्ड इन ऑल न्यू एज और न्यू एज में भी इनके पिता शामिल थे जादू टोने में इनके पिता शामिल थे दैट पॉज टू मी और वो इनके ऊपर आ गया आफ्टर ऑल दैटेंड फोर्टीन आई सोल्ड माई सोल्ड टू द डेबू और 2014 में इन्होंने अपना प्राण दुष्ट के हाथ शैतान के हाथ कर दिया I बाव down to in every his commandments और उन दुष्ट के सारे आज्ञाओं के आगे ये झुक गए grow, I close almost three gates of hell और अधोलोक के तीन फाटकों को पार करके ये गए Every kind of ceremonies हर एक प्रथाओं को इन्होंने किया शैतान की जो होती हैं इन टू थाउजेंड सेवेंटीन आई बिकम ए चाइल्ड एज अटे चाइल्ड आई वॉज नोन एज द सन ऑफ ब्राइट और 2016 में इनको कहलाया जाता था इनको कहते थे कि तुम पुत्र हो ब्राइटर के जिसका अनुवाद ऐसा किया जाता है कि लूसीफर का पुत्र इनको एक टाइटल दिया गया था आई बिकम द मोस्ट विकट चाइल्ड इन द वर्ल्ड इस संसार में उस स्थान में ये बहुत अधिक दुष्ट एक व्यक्ति बन गए देर इज मोर ऐसा कुछ था नहीं इनके जीवन में जो इन्होंने ना किया हो उन सब गंदगी में ये फंसे हुए थे आई थोट दैट इवन दैट गॉड इज रियल ही ये यह यहां तक कि ऐसा भी सोचने लगे थे कि परमेश्वर अगर वास्तविक है वो भी इन्हें क्षमा नहीं कर पाएगा नो कैन शो इन माई लाइफ कोई दया इनके लिए काफी नहीं होगी दैट मच ऑफ मो सिर आई उतने अधिक पाप में इनका जीवन जकड़ा हुआ था आई वो लीव माई बॉडी अपने शरीर को छोड़ एंड आई वो ट्रेवल टू काइंड ऑफ कंट्रीज इधर उधर देशों में ये जाया करते थे अपने शरीर को छोड़ आई वॉज कनेक्टेड टू इन टेक्सिस इन यूएस

एक सा, एक से इनका आमना सामना हुआ। उस रात इन्हें समझ आया कि एकता में बहुत है। When I was leaving my body, जब ये अपने शरीर को छोड़कर किसी काम के लिए जा रहे थे जो इन्हें कहा था इट अ सीरियस कमांडमेंट टू डिस्ट्रॉय एक शैतान की आज्ञा थी कि किसी कलीसिया में जाके फूट का, का काम करना है आई वाज मूविंग टू वन टेरिटरी और एक क्षेत्र में ये जा रहे थे आई सी फ्यू पीपल गैदरिंग chain। और जब ये वहाँ पहुंचे तो देखा कुछ लोग इकट्ठा हैं एक गोला बना के एक एक कड़ी के समान एक चेन के समान आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड और ये अपना काम करने के लिए आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि कुछ लोग इकट्ठा हैं आई यूज ऑल माई टू मूव फॉरवर्ड और जो भी सामर्थ्य इन्हें दी गई थी वो सब इन्होंने उपयोग किया पर यह कुछ नहीं कर पाए इट वॉज क्यूक और बहुत ही जल्दी आई केम बैक टू माई बॉडी अचानक से कुछ हुआ और ये वापस अपने कमरे में अपने शरीर में आ गए सेम द डे वुक मी अप तभी दुष्ट आया शैतान आया और इनकी इनको पकड़ के ऊपर ले गया एंड ही टू मी वॉन्ट दिंग और धमका कर कहा इफ यू डू दैट अगेन अगर तूने ऐसा दोबारा किया आई वॉन्ट किल यू मैं तुझे जान से मार दूँ आई नेवर फेल्ड एनी थिंग दैट कैन फ्रॉम द कैन ऑफ डार्कनेस कभी भी इतने वर्षों में जब ये उन चीज़ों में शामिल थे कभी भी दुष्ट के द्वारा ऐसा कुछ इनके साथ हुआ नहीं था बिकॉज द डेव शो आई लव यू आई एम योर फादर आई एम योर गॉड आई क्रिएटेड यू ही शेयर एवरी चाइल्ड आई गिव सोल टू द क्योंकि जब ये छोटे ही थे तो दुष्ट झूठ बोलता था कि मैं तेरा पिता हूँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और जो प्रेम इन्हें कहीं नहीं मिला अपने परिवार में नहीं मिला संसार में नहीं मिला वो प्रेम इन्हें उससे मिलने लगा उस झूठ से और इन्होंने अपना प्राण उसको दे दिया था छोटी उम्र में saying, और आज वो अचानक से इनकी गर्दन पकड़ के कहता है आज मैं तुझे जान से मार दूंगा फैमिली बिलीवर्स इनका सारा परिवार तो विश्वासी था विश्वास अगेन था नया जन पाए हुए थे बीलीविंग जीसस क्राइस्ट एज द लॉर्ड एंड सेवियर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते थे वो बट आई वाज नॉट पर ये no, नहीं मानते थे बट आई वाज हैप्पी पर ये खुश थे कह रहे बाय अबाउट माय हु माय फादर हु वाज आई नो हु ही वाज क्योंकि ये जानते थे कि इनके पिता भी किन चीजों में शामिल थे शी वाज अ ड्रग एडिक्ट वो भी नशे के बंधनों में थे ड्रग्स में थे ही अब्यूज मी इन ऑल द टाइम अलग अलग um, समयों में इनके साथ बहुत ही दुराचार हुआ दुर आई मीन अब्यूज़ हुआ आई नैवर फेल फ्रॉम हिज माई फादर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने अपने पिता के तरफ से um, एक घनिष्ठता को देखा हो या सराहने को देखा हो आई क्राई ऑल द टाइम इन ऑल द डे हमेशा ये बस रोए रोते रहे तब उस मौके को देख कर दुष्ट आया और शैतान ने बोला मैं तेरा पिता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ दो हजार सत्रह में आई अंडरस्टैंड ही मुझे पता लग गया कि शैतान झूठा है बिकॉज देर इज समावर इन दैट यूनिटी क्योंकि कुछ तो सामर्थ्य उस ये एकता में कि ये अपना काम ना कर पाए और ये वापस आ गए

जादू टोने और तंत्र मंत्र की सारी सामग्रियां सब कुछ इनके कमरे में इनके घर में था um, शमशान से अलग अलग, अलग शमशान से लाए हुए um, पत्थर और um, रेत ये सब कुछ इकट्ठा ही to करते put थे the death on my ताकि ये मृत्यु की घोषणा मृत्यु को भेज सके अलग अलग, अलग अलग स्थानों में अपने अड़ोस पड़ोस आई remove रिमूव after that. पर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इन्होंने कुछ हटाया नहीं अपने जीवन से। राइट्स और क्योंकि इन्होंने वो सब हटाया नहीं अपने जीवन से इनकार नहीं किया उन सब चीज़ों का दुष्ट के पास तब भी एक खुला द्वार था इनके जीवन में। एवरी kind of हर, हर प्रकार की प्रक्रियाओं के सारे तंत्र मंत्र ये सब कुछ इनके पास थे ब्लैक कैंडल्स ब्लैक माय रूम इज ब्लैक Um, काले कैंडल सब कुछ इनके पास था जो वहाँ नहीं होना चाहिए था एंड द किल मी और उसके बाद एक और बार ऐसा हुआ कि दुष्ट ने फिर से इन पर हमला करने की कोशिश की और इनकी जान लेने की कोशिश की एस आई मूविंग फॉरवर्ड इन माई वर्क और जब ये अपने काम में बढ़ने लगे इन माराणा सिनेमा इंडस्ट्री मलयालम के सिनेमा इंडस्ट्री में ऐसा फिल्म मेकर एक फिल्म मेकर के रूप में आई फोकसिंग ऑन माय क्रिएटिव आइडियाज ऑल द वर्क आई जस्ट फोकस ऑन माय वर्क्स ये अपने सृजनात्मक कार्यों में अपने फिल्म्स में फोकस करने लगे बट समथिंग हैपन ही आई कैन ऑल ऑल माय नाइट बिकम नाइटमेयर्स इनकी सारी रातें अचानक से एक भयानक स्वप्न में बदल गई एंड वन डे अ वुमन केम टू

इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया क्योंकि इन्हें लगता था कि वो इन्हें करना ही पड़ेगा। और उन्होंने उसको ले लिया। और और एक और बार वो जो मिशन दुष्ट ने इन्हें दिया था शैतान ने वो फिर से ये उसमें फेल हो गए जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट लिया इनकी आवाज तो वापस आ गई है बोलने लगे But on that day, आई अंडरस्टैंड आई लॉजिंग पर उस दिन इन्हें समझ आया कि इनका सब कुछ खो गया सब कुछ लुट गया एंड आई ट्राई टू सुड और उस दिन इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की आई स्टेप इन टू द वॉटर ये पानी में जाने लगे टू डाय इन द बीच बस मरने के लिए उस समुद्र तट पे दे माई शोल्डर एंड पुलिंग मी बैक और इन्हें महसूस हुआ कि किसी ने इनका कंधा पकड़ा और इन्हें वापस खींच रहा है और जब इन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं पर जब ये आकाश की ओर देख रहे थे तो ये देख पा रहे थे कि कुछ तो युद्ध हो रहा है फाइटिंग फॉर मी और कोई तो इनके लिए लड़ रहा है और उसके बाद जब ये अपने घर गए I didn't get any signs, any message. ऐसा कोई चिन्ह या कोई संदेश इन्हें मिला My, नहीं अपने घर में no friends, क्योंकि इनके कोई दोस्त थे नहीं आई कैन गो आउटसाइड ये बाहर नहीं जा पा रहे थे अपने घर से नॉर्मली आई वॉन्ट वे और ये अपने कमरे में जब गए एक दिन अचानक से सोने के लिए ऑन डेट नाइट उसी रात आई इनकी मृत्यु हो गई ऑन मार्च टेन मार्च दस तारीख आई और ये सीधा नर्क पहुंचे ऐसा एक 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 शैतानी शैतान का संतान होने के नाते एक दुष्ट की आराधना करने वाला एक व्यक्ति ये खुद को देख नहीं पा रहे थे और अचानक से शैतान अच्छा, फिर से उसने वो झूठ बोला मैं प्यार करता हूं। ये तेरा राज्य है तो कुछ भी कर यहाँ पे

कोई द्वार नहीं नहीं है में। में ये 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 पूरी मेहनत कि वास्तविकता आ जाए, से से निकले पर निकल पा रहे थे। और और तभी जब इन्होंने शैतान की ओर गौर देखा, तो बहुत ही भयानक गंदा चित्र उसके पंखों में देखा दैट जब इन्होंने वो देखा, उसने पहली बार अपना असली रूप दिखाया और फिर अचानक से उसने हाथ बढ़ाया इनको थामने के लिए इन्हें पकड़ने के लिए time, और तभी अचानक से बादलों का रंग बदलने लगा और अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आई एंड स्टेपिंग बैक और वो डरा और वो पीछे होने लगा और एक आवाज आई सवाल विल यू बी माय चाइल्ड

वो वाणी वो जो आवाज जिसकी थी वो इनके पास आए और एक पिता जैसे अपने पुत्र को पकड़ता है वैसे ही ब्रिज और एक पुल पुल पे ये गए और like और वो क्रूस के समान है। like an और एक स्त्री को देखा जो एक uh, स्वर्गदूत के रूप में थी आई कैन सी ऑफ पीपल फायर और जब वो उस पुल में थे तो ये बहुत लोगों को देख रहे थे कैसे वो नर्क में गिरे जा रहे हैं गिरे जा रहे हैं बट इज न्यू लाइफ वेटिंग फॉर यू और स्त्री ने इनकी और गौर से देखा और बोला सीधा चलता रहे क्योंकि एक नया जीवन तेरी बाट जो रहा है और अचानक से तभी ये वापस अपने शरीर में आए अपने कमरे में आए। और इन्होंने एक पेपर उठाया कागज आई नो इट वॉज यू और इन्होंने उस कागज में लिखा प्रभु मैं जानता हूँ ये तू था

तो मुझे यीशु को दिखा आई टेक ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम माय होम ऑल द व्हिच क्राफ्ट टू एवरीथिंग आई टू गेट ऑफ और उन्होंने अब उस दिन अपने घर से इन सारी चीजों को जो शैतान की थी जिन चीजों में ये पहले उलझे हुए थे वो सब अपने रूम से अपने घर से हटा दिया मोर देन 50000 कोस क्लोथ्स आई बर्न इट एक से डेढ़ लाख कपड़े सामान वो सब कुछ इन्होंने जाके जला दिया। Thousands of thousands of things, I burn it every idols,

और जब इन्होंने आंखें खोली ये बहुत उत्साहित हुए कि यीशु आया है की आखिरकार यीशु आया When I my eyes, जब इन्होंने अपनी आंखें खोली the devil, वो दुष्ट था वो शैतान था crying, और वो रो रहा था and saying, I leave you. मैं तुझे छोड़ नहीं सकता वो था क्योंकि तू मेरा पुत्र है I fear. और अचानक से फिर से भय इनके जीवन में आने लगा he, he tried to grab me Lord. फिर से उसने कोशिश की इन्हें पकड़ ले इन्हें थाम ले

यू टीच मी दिस आई यूज you. Jesus यू my Lord. और इन्होंने एकदम उस शैतान को देखकर कहा झूठे शैतान तूने मुझे ये सिखाया था आज मैं यही जुबान तेरे विरुद्ध उपयोग करूंगा और इन्होंने कहा यीशु ही मेरा प्रभु है यीशु मेरा प्रभु है डेबू वैनिश और अचानक से वो गायब हो गया आई to sleep. और ये सोने चले गए और जब ये सोने के लिए गए अचानक से इन्होंने कानों में आवाज आई

और उस पहाड़ में रोशनी है उजाला है। और जब इन्होंने आंखें खोली प्यूटिफुल माउंट सिनेमा लाइफ सुंदर पहाड़ जो इन्होंने शायद जीवन भर में कभी नहीं देखा लाइफ सुंदर फूल जो इन्होंने कभी जीवन में नहीं देखे थे और ये एक बच्चे के समान सामान फ्लाई ये भागने लगे उस मैदान में फूलों को छूने लगे तितलियों के साथ खेलने लगे so excited, और जब ये इतने उत्साहित हो गए ये सब देख के बिग सॉन शान मी एक सूरज के समान कुछ तो ज्योति कुछ तो प्रकाश इनके पीछे थे और ये पीछे मुड़े और जैसे इन्होंने पीछे देखा ये घुटनों के बल आ गए बादल के समान एक व्यक्ति बादल के समान एक रूप इन्होंने देखा और ये जान गए कि ये मनुष्य का पुत्र ये घुटनों पर the light shining into my face. उनके चेहरे से बस ज्योति इनके चेहरे पर आ रही I cry out to him, Lord, why? You forgive me? और ये रोते हुए कहने लगे प्रभु यीशु आपने मुझे क्षमा क्यों किया

और 2017 में जब ये एक बार कुछ कार्य के लिए गए थे जो ने दिया था एक कड़ी इन्होंने देखी थी लोगों को इकट्ठा एक चेन देखा था आई बिकम और उस दिन इन्हें ऐसा लगा कि वो कड़ी वो एकता में ये बदल गए और उन्होंने उस चेन को जो इनके आसपास थी इनके चारों ओर थी उसको तोड़ दिया आई वॉज लोस्ट एक समय में ये खोए हुए थे बट नाउ आई एम फाउंड और आज ये पाए गए I was a failure? ये फेलियर थे एक समय में। पास नहीं But है। eight books. और आज परमेश्वर ने इनके सहायता की है कि इन्होंने आठ किताबें लिखी चेन इन एक किताब हाल ही में इन्होंने लिखी है जिसका uh, शीर्षक है ब्रेक द चेन यीशु के नाम में जंजीरों को तोड़ो यू

इतना अधिक संसार से प्रेम Then किया son, कि कि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया कि जो कोई बिलीव इन हिम उस पर विश्वास करे वो वो नाश नहीं होगा हैव एन लाइफ वरन अनंत जीवन पाएंगे एवरीवन ही कई सवाल होते हैं लोगों के नास्तिक लोगों के भी सवाल होते हैं कि कौन है

इन्हें छोड़ा सकते He can set you free today. प्रभु यीशु आपको भी छुड़ा सकते दिस इज योर डे ये ही आपका दिन है Because you are क्योंकि आप आमंत्रित हैं। Amen. Amen. प्रभु आपका आशीष दे।